तो हे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास जो डिवाइस है ओप्पो का ओप्पो रेनो 11। तो आज हम इस डिवाइस में एक इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं जो कि है ओप्पो का मतलब एज लाइट। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप कैसे ओप्पो रेनो 11 या ओप्पो रेनो 11 प्रो मतलब ओप्पो रेनो 11 सीरीज में आप कैसे एज लाइट को इनेबल कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो जो शुरू से लेकर एंड तक देखना एंड एक भी स्टेप मिस मत करना। एंड ये करते हुए आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो जो मेरा सोशल हैंडल है फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर, इसमें मुझे आप फॉलो करके डीएम कर सकते हो। मैं आपको पर्सनल रिप्लाई देकर आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो गाइस देख सकते हो मेरे पास जो डिवाइस है रेनो 11, तो सेम ट्रिक्स से अप्लाई करके आप रेनो 11 प्रो में भी कर सकते हो। तो ये करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपका फोन में जो सेटिंग्स है तो आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। एंड सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद एसेट्स के अंदर जाने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर आपको एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा कि वॉलपेपर एंड स्टाइल, तो आपको सिंपली जो वॉलपेपर एंड स्टाइल लिखा हुआ है इसके ऊपर टैप करना पड़ेगा। एंड इसके ऊपर टैप करते आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएगा, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। एंड नीचे एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा आपको एज लाइट, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, जो एज लाइट है एज लाइट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो एज लाइट के ऊपर क्लिक करते आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो एज लाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको इधर देखा रहेगा कौन सी कलर में आपको एज लाइट चाहिए, मतलब जब आपका नोटिफिकेशन आएगा या व्हाट्सएप में या फेसबुक में एसएमएस आएगा तो आपको कौन सी कलर में एज लाइट चाहिए। तो मेरा अभी सिंपल सा जो ब्लू कलर है ब्लू कलर में सेट है, इसलिए आप देख सकते हो ब्लू कलर से एज लाइट आ रहा है। मैं अभी रेड में भी कर सकता हूं तो रेड कलर आ रहा है, येलो करूंगा तो येलो कलर में भी एज लाइट हो रहा है। तो गाइस ये आपको जो भी कलर अच्छा लगा आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड सेम ट्रिक्स अप्लाई करके आप ओप्पो रेनो 11 प्रो में भी कर सकते हो। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।